देहरादून से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर आ रही है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का पेपर लीक में बड़ा खुलासा सामने आया है। जिस कंपनी में छापा था पेपर, वहीं से लीक होने का खुलासा हुआ है। यानी कि जो प्रिंटिंग कंपनी थी, वहीं से पेपर लीक होने की बात सामने आ रही है। शक के घेरे में पेपर छापने वाली लखनऊ की RMS टेक्नो सॉल्यूशन कंपनी है। कंपनी के कर्मचारी अभिषेक वर्मा से STF की पूछताछ जारी है। पूछताछ में अभिषेक वर्मा ने बताया है, पेपर सील के दौरान उसने वायरल की थी सभी पालियों की कॉपी वायरल करने के लिए अभिषेक को मिले थे 36 लाख रुपए। जी हाँ, सौदा हुआ था, वायरल की गई थी कॉपियां और इसके लिए अभिषेक को इसके एवज में 36 लाख रुपए की बड़ी रकम मिली थी। अभिषेक ने गांव में 2 कमरे एक कार भी खरीदी थी। सीतापुर के शेरपुर गांव का रहने वाला है अभिषेक वर्मा। तो पेपर लीक मामला, STF की पूछताछ और पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। उत्तर प्रदेश कनेक्शन सामने आया है इस पेपर लीक मामले में। STF की पूछताछ में अभिषेक वर्मा ने कई बड़े खुलासे किए हैं। लखनऊ की कंपनी में पेपर सील का काम करता था अभिषेक। हर पाली की एक एक कॉपी निकालकर उस कॉपी की फोटो खींचकर अभिषेक ने उसे वायरल कर दिया और इसके एवज में उसे 36 लाख रुपए मिले। और महत्वपूर्ण जानकारी अब आपको दे देते हैं पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई, क्योंकि पेपर लीक मामले का उत्तर प्रदेश कनेक्शन सामने आया है। किस तरीके से उत्तर प्रदेश कनेक्शन सामने आया है वो यहां पर हम आपको बता रहे हैं। STF की पूछताछ में अभिषेक ने खुलासा किया है, बड़ा खुलासा किया है। लखनऊ की कंपनी में पेपर सील का काम करता था। हर पाली की एक एक कॉपी निकालकर उसे वायरल किया था अभिषेक ने और इस काम के लिए अभिषेक को मिले थे 36 लाख रुपए। 36 लाख रुपए की बड़ी रकम अभिषेक को अदा की गई थी इसके एवज में और फिर उसने कॉपी, हर पालियों की परीक्षा की कॉपी वायरल कर दी। पूछताछ में अभिषेक ने बताया है कि उसके गांव में 2 कमरे उसने बनाए हैं, एक कार भी खरीदी है। पिता मां के खाते में, भाई के खाते में उसने पैसे डाल दिए ताकि किसी को शक ना हो। पत्नी समेत कुछ परिचितों को भी पैसे दिए। यानी कि 36 लाख रुपए की बड़ी रकम को अभिषेक ने ठिकाने भी लगा दिया। कार खरीद ली, पत्नी के खाते में पैसे जमा कराए, पिता के खाते में पैसे जमा कराए, कुछ रिश्तेदारों के खाते में पैसे जमा कराए ताकि किसी को भी पता ना चले कि 36 लाख रुपए अभिषेक के पास है। अभिषेक ने ही पेपर लीक करने का काम को अंजाम दिया था।